नमस्कार दोस्तों, ये वास्तु पर वीडियो है। वास्तु सीखना अब आपके लिए बहुत आसान है। आप इसी वीडियो को फॉलो करते चलिए। जितने भी वीडियो मैं देता हूं, आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पढ़ के ही दिया हुआ, ठीक है। इसी वीडियो को आप फॉलो करते चलिए, इसको देखते चलिए। एक दो मिनट चार मिनट देखेंगे उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपनी होती है, अनुभव की होती है। वहां से आपको कुछ अलग मिलता है, फिर आपकी भी बात उसमें मिलती है तो कुछ अलग पैदा होता है। इसमें जो भी आपके संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में डाल दो, उसका जवाब या तो मैं आगे वीडियो में दे दूंगा या मैं कमेंट में ही दे दूंगा। अब हम चलते हैं पांचवें दिशा की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। इस दिशा को ईशान कोण भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को NE भी बोलते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट। यहां पर जितनी अच्छाई कर लेंगे आपके साथ उतना ही अच्छा होता रहता है। देखिए होता क्या है, ईस्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी आती है। ये दोनों आके यहां टकराती है। आपने देखा होगा हमेशा ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाते हैं। ये एनर्जी यहां स्टोर होती है, यहां पर ये एनर्जी स्टोर हुई और इस दिशा को बहुत ही प्यारी दिशा बना देती है ये दोनों एनर्जी मिलके। अब होता क्या है, यहां के ढलान में, अगर यहां पर ढलान है तो ये एनर्जी ज्यादा रूप में स्टोर होती है, और यहां पर ढलान नहीं है, यहां ऊंचा है, तो ये एनर्जी इस वाले प्लॉट में आ ही नहीं पाती, इस वाले प्लॉट में स्टोर ही नहीं पाती है। जो हमने पीछे देखा था कि यहां पर रहने वाले लोगों में रत्न की प्राप्ति होती है। अब रत्न की प्राप्ति मैंने आपको बताया था कि रत्न मतलब हर किसी को हीरे जवाहरात तो मिल ही जाते, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप ढलान भी कर लो तो आपको हीरे जवाहरात कहीं से मिल जाए, ऐसा नहीं है। रत्न की प्राप्ति का मतलब है नॉर्थ के जितने भी गुण हैं और ईस्ट के जितने भी गुण हैं, ये दोनों गुण को कंबाइन कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट के गुण मिल जाएंगे। मतलब यहां रहने वाले लोगों में इनके बात में भी वजन है, इनके शरीर में भी स्फूर्ति है, ये राजनीति से भी संबंध रखना अच्छी तरह से जानते हैं और ये बोलना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका सौभाग्य भी बहुत अच्छा है, इनको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। ओवरऑल ये ढलान वाली भूमि सबसे ज्यादा अच्छी होती है। छठवें दिशा में हम चलते हैं, साउथ ईस्ट ढलान वाली भूमि कैसी होती है। दक्षिण पूर्व ढलान वाली भूमि, ये है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट भी बोलते हैं और आग्नेय कोण भी बोलते हैं। साउथ ईस्ट ढलान वाली भूमि पर रहने वाले लोगों में पुरुषार्थ की कमी होती है। ये भूमि घर के स्त्रियों और बच्चों के लिए खराब भूमि होती है, अच्छी नहीं होती है। जिसमें साउथ ईस्ट ढलान हो स्त्रियों और बच्चों के लिए गलत होती है, शास्त्र में भी कहा गया है, मैं प्रैक्टिकली भी बता रहा हूं। यहां पर बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ता है, बच्चे अपने मिड एज में जाते जाते तक कुछ अलग टाइप से अलग धुन में रम जाते हैं, नशे के आदि नहीं होते, वो दूसरी दिशा से हैं, वो बच्चे बढ़ ही नहीं पाते, तरक्की नहीं हो पाती उनकी, चोरी धोखेबाजी मुकदमा इन पे लगा ही रहता है। ज्योतिष में एक योग होता है पराक्रम भंग योग, ऐसी भूमि पर रहने वाले लोगों में ये योग लगा ही होता है। सभी लोगों में ये लोग उचित तरीके से काम नहीं कर पाते, पूरी एनर्जी नहीं लगा पाते काम में, अगर कभी एनर्जी लगा भी लें तो जल्दी थक जाते हैं। एनर्जी की न्यूनता की वजह से उचित फल ले नहीं पाते। भूमि पर काम करने वाले लोग कोई काम शुरू तो करते हैं मगर उसको ज्यादा देर तक चला नहीं पाते, इसकी वजह से ये नुकसान को भी प्राप्त होते हैं। सातवें ढलान वाली भूमि है साउथ वेस्ट ढलान वाली भूमि, दक्षिण पश्चिम ढलान वाली भूमि। एक प्लॉट बना लेंगे, इसमें साउथ वेस्ट ये है, SW बोलते हैं इसको और नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, और SW साउथ वेस्ट है इसलिए इसको बोलते हैं। साउथ वेस्ट ढलान वाली भूमि में रहने वाले लोगों में एक डर बना रहता है। डर किसका, बीमारी का डर बना रहता है, भ्रम बना रहता है, कर्ज इनका कभी नहीं हटता, ये लोग कर्जदार हमेशा ही बने रहते हैं। चाहे बिजनेस वृद्धि के लिए कर्ज ले लें, बिजनेस छोटा है कर्ज बड़ा है,
ऐसा कर्ज इनका बना रहता है साउथ वेस्ट की ढलान हो ऐसे वाले लोगों में। जो मैं भ्रम की बात कर रहा था, बीमारी, इनकी बीमारी भी लगी रहती है इनको, और बीमारी का एक भ्रम अलग से चल रहा होता है। अगर ये स्वस्थ भी होते हैं ना, तो एक भ्रम सा बना रहता है कि ये बीमारी मुझे है या ये बीमारी मुझे है, इस टाइप में एक भ्रम भी बना रहता है। ऐसे ढलान वाले जगह पर वास करने वाले लोगों में ऊपरी छाया, भूत प्रेत, इनका डर भी बना रहता है या इनका प्रकोप भी बना रहता है ऐसे लोगों पे। जो ऐसे घर में वास करते हैं उन पे एक ज्योतिष में योग होता है पितृदोष, वो योग इनबिल्ट लग गया होता है। आपसी संबंध इनके अच्छे नहीं होते, जो खुद के रिलेशन है ना वो अच्छे नहीं होते ऐसे जगह पे वास करने वाले लोगों में। और ये लोग अपने जो इनका स्किल है जिसके लिए जाने जाते हैं उसका उपयोग नहीं कर पाते। कुल मिलाके ये भूमि जैसे नॉर्थ ईस्ट जितनी अच्छी भूमि थी उतनी ही खराब भूमि ये है अगर साउथ वेस्ट की तरफ ढलान हो तो। मिड एज में जाते जाते या इस घर में रहने वाले करीब 60% लोगों में कमर में दर्द, कमर के नीचे घुटने में दर्द, ये दर्द लगा ही रहता है। ये आप चेक कर लेना, अगर कहीं पर ऐसा ढलान आपको मिले या किसी ने ऐसी जगह पे बोरिंग करा दी हो, किसी ने ढाल दे दिया हो वैसे ही, तो ये सब लगा ही रहता है। अब चलते हैं आठवीं भूमि उत्तर पूर्व की ढलान की तरफ, इसको वायव्य दिशा भी बोलते हैं और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। यहां पर हमने देखा था मृत्यु लिखा हुआ था, उस वाले सर्किल में मृत्यु लिखा हुआ था। यहां पर भी मृत्यु सम कष्ट होता है। यहां पर रहने वाले लोगों में बहुत ही जल्दी बुरी आदतें पकड़ लेती, बुरी आदतों से ग्रस्त होते हैं। मेरा जब भी कहने का मतलब यहां पर रहने वाले लोग, मतलब इस दिशा में अगर ढलान हो तब, नॉर्थ वेस्ट की ढलान वाली भूमि पर रहने वाले लोग बुरी आदतों को बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं। इनके घर में भी चोरी, मुकदमा, धोखेबाजी, ये सब लगा ही रहता है। मानसिक परेशान लोग होते हैं, बीमारी भी इनके घर में लगी रहती है। ये व्यापार को न चलने देने में कारक साबित होती है, मतलब व्यापार में बाधक भूमि होती है। ज्योतिष में एक होता है विद्या भंग योग, मतलब विद्या ना हो पाना, डिग्री नहीं मिल पाएगी सीधी हिंदी में, वो योग होता है। अब ये हो गई आठ दिशाएं, अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। ये दिशाएं हैं तो इसका करें क्या, अगर कभी ऐसा हो गया तो क्या करें। उपाय के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ढलान, हम अगर प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो प्लॉट में हम ढलान अपने हिसाब से करा सकते हैं। प्लॉट में हम भरवाएंगे उतना, उसी हिसाब से भरवाएंगे, उसी हिसाब से पत्थर लगवाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे कि ढलान नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप कोई ऐसा गलत तो करने जाएंगे नहीं, टॉयलेट वगैरह बनवाएंगे नहीं, ये तो वर्जित है। तो वहां पर ढलान आपको रखना चाहिए अगर खुद का प्लॉट लेकर करवा रहे हैं तो। अगर आपने मकान ले लिया है वहां पर ढलान नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट की तरफ ढलान है, तो आप उतने पत्थर को उठवाइए, थोड़ा ही तो ढलान ही तो देना है, बहुत ज्यादा आपको ऊंचा तो करना नहीं है, उतने पत्थर को उठवाइए और जो पत्थर या टाइल्स लगा हुआ उतने को उठवाइए और उसको ऊंचा करवा दीजिए अपेक्षाकृत नॉर्थ ईस्ट से, साउथ वेस्ट को ऊंचा कराइए। और उसी हिसाब से जो थंब रूल हमने देखा है कि ये प्लॉट है और ये ईस्ट है, अब ये वाला जो है ना ये भरा हुआ होना चाहिए, तो ऐसा करिए कि उसको टाइल्स को ऊंचा करा दीजिए उसी में, एक इंच दो इंच इतना ऊंचा कराइए, अपेक्षाकृत इसको नीचे कर दीजिए। ये तो ढलान का उपाय सीधा सीधा हो गया। एक होता है छत भी अगर आपकी है, जैसे फ्लैट्स वगैरह में छत तो आपका नहीं होता, छत भी अगर आपका है तो छत का ढलान भी इसी तरह से करिए। छत का ढलान आप लाइए ईस्ट में लाइए, उसके बाद अगर वाटर वगैरह, वाटर वहीं से, वर्षा का पानी भी ढलान ईस्ट में ही आए, फिर उसके बाद आप पाइप लगा के दूसरी तरफ वाटर डाल दो नीचे, मगर छत का ढलान भी इसी तरह से आए नीचे। तो आप ढलान को अधिकतर आप इसमें ढलान को कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं, अगर इस रूम में नॉर्थ ईस्ट इस साइड में है या इस साइड में है और साउथ वेस्ट उधर है, नॉर्थ वेस्ट इधर है, ऐसे मान के चलिए, तो मैं इस रूम के पत्थर को उठवा दूंगा, जितने भी पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, उसको मैं उखड़वा दूंगा,
दोबारा बनवा दूंगा, टाइल्स को लगवा दूंगा मैं, अगर मैंने मकान परचेज किया है तो। अगर ये मकान मेरा पहले से चल रहा है और मुझे अब ये नॉलेज हुई है तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह से साउथ वेस्ट फिर मैं उठवा लूं। साउथ वेस्ट में अगर कोई बोर्डिंग वगैरह पड़ी हुई है, बोर्डिंग और ये सारी चीजें, इसकी बात हम आगे करेंगे क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। अभी आप ढलान में ही समझ लें कि अगर इसको हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें इसके फर्श को उठवाना होगा और कम से कम एक इंच का ढलान, डेढ़ इंच का ढलान नॉर्थ ईस्ट देना होगा। यही इसकी उपाय है, सीधी सीधी उपाय है। इसको और भी बहुत सारा कुछ करेंगे, कोई रेमेडी करेंगे, वो इस पे इफेक्ट नहीं करता। इसको ये आपको फिजिकल ही करना होता है, ठीक है। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।